हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन आरची एजुकेशन हब ऑनलाइन क्लासेस। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है उसी का नेक्स्ट वाला पार्ट है, मृदा उत्पादक खनिज जो पदार्थ हैं उनकी बातें करेंगे। और मृदा उत्पादक जो खनिज हैं, ये खनिज जो पदार्थ होते हैं ये कहाँ से अपन यूज करते हैं उसकी बातें अगर करें तो मृदा खनिज उत्पादन जो पदार्थों में है, खनिज अपन ने इससे पहले पढ़ा था मृदा के जो अवयव होते हैं उन अवयवों के बारे में बात की थी। और मुख्य रूप से पढ़ते हैं कि मृदा खनिज जो पदार्थ हैं वो क्या होते हैं। देखिए इसकी परिभाषा, चट्टान जो होती है, पढ़े चट्टानों के अपचय से बनने वाले पदार्थ खनिज पदार्थ कहलाते हैं। मृदा का जो मुख्य घटक है, अवयव है, वो खनिज पदार्थ हैं। और ये कहाँ से प्राप्त होते हैं? चट्टानों के अपचय से बनने वाले जो पदार्थ हैं वो कौन से कहलाते हैं? खनिज पदार्थ कहलाते हैं। जो खनिज होते हैं, खनिजों क्या होता है? एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, यानी खनिजों का एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है। ये इनकी दूसरी विशेषता है, निश्चित रासायनिक संगठन होता है। ये खनिज पदार्थों की दूसरी प्रॉपर्टी या गुण है। तीसरा अगर बात करें तो खनिज पदार्थों में क्या गुण पाए जाते हैं, क्या परिभाषा का अपन देख चुके हैं, दोनों परिभाषाएं इसकी। खनिज पदार्थ क्या कहलाते हैं? जिनके चट्टानों के अपचय से जिनका निर्माण होता है वो खनिज पदार्थ होते हैं। खनिजों का एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, यानी इसमें जो तत्व पाए जाते हैं, कैल्शियम है, पोटेशियम है, फेरस है, मैग्नीज वगैरह जो होते हैं वो एक निश्चित अनुपात के अंदर पाए जाते हैं। ये सबसे बड़ी बात है इसके अंदर, खनिजों के अंदर। बात करें तो खनिज होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, खनिजों की अगर बात करें तो खनिज अगर देखें तो ये मुख्य रूप से खनिजों के जो गुण होते हैं, अगर उनकी बात करें तो क्या क्या गुण होते हैं। खनिजों के गुण की बात करें तो सबसे पहले अपने पास में खनिजों का गुण आता है, वो क्या है? पहला गुण जो आपके पास में खनिज पदार्थों का, ये धातु या अधातु प्रवृत्ति के हो सकते हैं, यानी कार्बनिक व अकार्बनिक प्रवृत्ति के हो सकते हैं। यानी ये अकार्बनिक मुख्य रूप से क्या होते हैं? अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। अकार्बनिक जो पदार्थ हैं वही क्या हैं? खनिज पदार्थों में आते हैं। दूसरा जो आपके पास में है इसमें ये पारदर्शी अपारदर्शी प्रवृत्ति के हो सकते हैं, यानी पारदर्शी भी हो सकते हैं और अर्ध पारदर्शी भी हो सकते हैं तथा अपारदर्शी भी हो सकते हैं। ये इनका दूसरा गुण है। तीसरी जो प्रवृत्ति इनकी है वो है, ये धातु हो सकती है, अकार्बनिक कंपाउंड है तो धातु हो सकती है या अधातु प्रवृत्ति के भी हो सकते हैं। धातु अधातु प्रवृत्ति के होते हैं, दो प्रवृत्तियां हो इनकी, धातु या अधातु प्रवृत्ति के होते हैं, अधातु प्रवृत्ति के होते हैं। ये है खनिज पदार्थों के मुख्य गुण हैं। खनिज पदार्थों के मुख्य गुण की बात करें तो एक है अपने पास में खनिज पदार्थों का रंग कैसा होगा। खनिज जो पदार्थ होते हैं उनका रंग होते हैं वो अलग अलग रंग के हो सकते हैं, हरा हो सकता है, पीला हो सकता है, नीला हो सकता है। ये जो सभी रंग होते हैं वो किस पर निर्भर करते हैं? इसमें पाई जाने वाली धातु की प्रवृत्ति पर निर्भर करते हैं। कौन सी धातु पाई जाती है उसी के आधार पर इनका रंग निर्धारित होता है। ये तो अपने पास में ये रंग भी पाए जाते हैं, जैसे संगमरमर जो होता है उसका कलर कैसा होता है, व्हाइट भी हो सकता है, ब्लैक भी आपको मिल सकता है। ये अलग अलग जो प्रॉपर्टियां पाई जाती हैं वो इसके ऊपर डिपेंड करती हैं, हरा होगा, पीला होगा, नीला होगा, ये कलर प्रॉपर्टी भी इसके अंदर पाई जाती है। तो ये मुख्य रूप से अपन ने देखा जो खनिज पदार्थ होते हैं उनका
परिभाषाएं हैं वो क्या होते हैं, ये लगभग कितना होता है, अपन ने पढ़ा था खनिज पदार्थों का जो अवयव होते हैं वो 45% कितने होते हैं, ये 45% भाग जो होता है यह मृदा का खनिज पदार्थ होते हैं, कितना होता है 45% भाग जो होता है मृदा में क्या होते हैं, खनिज पदार्थ होते हैं। अब अपन बात करते हैं जो खनिज पदार्थ होते हैं उनके अंदर मोस्टली जो अपने पास में है वो खनिज पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। अब देखिए यहाँ पर खनिज पदार्थों के प्रकारों की अपन बात करेंगे, कितने प्रकार के खनिज पदार्थ आते हैं। खनिजों के प्रकार और खनिजों के प्रकार में अगर बात करें तो मुख्य रूप से ये दो आधार हैं इसके लिए, एक है उत्पत्ति के आधार पर, किसके आधार पर है, उत्पत्ति के आधार पर है। पहला आपके पास में जो कारक आ गया कौन सा हो गया, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं वो अपने को देखना है। उत्पत्ति के आधार पर खनिज पदार्थ हैं वो दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। फर्स्ट वाला आपके पास में है प्राथमिक खनिज पदार्थ, कौन सा कहलाएगा, प्राथमिक खनिज पदार्थ, प्राथमिक खनिज पदार्थ हैं। और दूसरा आपके पास में है वो है द्वितीयक खनिज पदार्थ या द्वितीयक खनिज लवण भी इनको कह सकते हैं। ये अपने पास में प्राथमिक खनिज और द्वितीयक खनिज दो टाइप के अपने पास में उत्पत्ति के आधार पर होते हैं। अब जो प्राथमिक जो खनिज पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, देखिए प्राथमिक खनिज पदार्थ हैं वो क्या होते हैं। प्राथमिक खनिज पदार्थों में अगर बात करें एग्जाम्पल से अपन इसको देखें तो कैल्शियम कार्बोनेट, क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट जिसको अपन क्या कहते हैं, चूना पत्थर, क्या कहते हैं, चूना पत्थर। ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये क्या होता है, प्राथमिक खनिज पदार्थ में आता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो पारदर्शी पदार्थ हैं जैसे हीरा, ये भी किसमें आता है, ये कठोर प्रवृत्ति का होता है, कैसा होता है, कठोर प्रवृत्ति का अधात्विक खनिज पदार्थ होता है, कौन, हीरा। इसके अलावा अगर बात करें तो ग्रेफाइट ये भी इसके अंदर आता है। इसके अलावा अगर बात करें ग्रेफाइट के अलावा जो है आपके पास में माइका जो होती है ये भी इसी खनिज पदार्थ के अंदर आता है, माइका। ये मुख्य रूप से हैं कैल्शियम कार्बोनेट है या माइका है, हीरा वगैरह है, ये प्राथमिक खनिज पदार्थों के अंदर आते हैं। द्वितीयक जो खनिज पदार्थ होते हैं उनकी अगर बात करें तो द्वितीयक खनिज पदार्थों में आपके पास में है मुख्य रूप से इसके अंदर है ये ज्यादातर जो एस्क होते हैं जैसे मैग्नेसाइट, क्या होता है, मैग्नेसाइट। ये द्वितीयक खनिज पदार्थ हैं जिनका निर्माण प्राथमिक खनिज पदार्थों के अपघटन वगैरह से होता है। इसके अलावा अगर बात करें तो डोलोमाइट जिप्सम जो होता है ये भी इसी के अंदर आते हैं, जिसको अपन कहते हैं CaSO4 2H2O, ये होता है जिप्सम। ये किसमें आता है, द्वितीयक खनिज पदार्थ के अंदर आता है। तो मोस्टली अपने देखा उत्पत्ति के आधार पर जो खनिज पदार्थ होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, प्राथमिक खनिज पदार्थ और द्वितीयक खनिज पदार्थ होते हैं। तो अपन ने इस वाले में देखा है कि मृदा उत्पादक जो खनिज पदार्थ होते हैं उनका निर्माण मुख्य रूप से कैसे होता है, उनका निर्माण किस प्रकार से होते हैं, खनिज पदार्थों की क्या क्या गुण पाए जाते हैं वो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। दूसरा जो खनिज पदार्थ है वो कितने प्रकार के होते हैं, मोस्टली देखिए तो उत्पत्ति के आधार पर जो खनिज पदार्थ दो टाइप के, प्राथमिक खनिज पदार्थ और द्वितीयक खनिज पदार्थ होते हैं। ओके, नेक्स्ट वाले अपन जो बात करेंगे उत्पत्ति के बाद में जो अपने दूसरा टाइप इसका है वो है रासायनिक संगठन के आधार पर खनिज पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो रासायनिक संगठन के आधार पर खनिज पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं उनकी बातें अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।